अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। मेरे साथ आप मैथमेटिक्स के सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी समझ आ रही है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज हम 10th की एक्सरसाइज 2.8 करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्टिव पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर्स। दो मुसलसल मुस्बत आदाद जो होते हैं, कंजेक्टिव का मतलब मुसलसल मुस्बत आदाद जो हैं उनका वो कहता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है जी? हासले जरब। वो है कितना? 182। तो फिर आप वो नंबर्स फाइंड करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें पूरी एक्सरसाइज में जो मेन थीम है वो ये है कि आपने इस जो आपके पास स्टेटमेंट है उसको समझना है। अब देखें वो क्या कह रहा है जी, टू पॉजिटिव कंजेक्टिव नंबर्स। पहली शर्त तो ये है, बाद में उनका प्रोडक्ट होगा ना, पहले नंबर्स होंगे फिर उनका हासले जरब। तो नंबर्स हम अगर कहते हैं, हम कहते हैं जी फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास, फर्ज कर लिया हमने, वो क्या है? x। वो क्या हो गया हमारे पास? x। पहला नंबर हमने कह लिया x, तो दूसरा नंबर क्या होगा? कंजेक्टिव। अब हमें देखें, हम कहते हैं जी कोई हिंसा है 2, उसके आगे वाला हिंसा क्या होता है जी? 3। कैसे पता चला कि 2 जमा 1 किया तो फिर 3 बना। फिर हम कहते हैं जी 3 के बाद कौन सा हिंसा है? 4। तो कैसे पता चलेगा उसमें, अगर इस हिंसे में हम कह लेते हैं 2 जमा 2 करें या 3 जमा 1? 3 जमा 1, समझ आ रही बात की? तो इसमें यानी जमा 1 जो करते हैं वो उससे फौरन आगे वाला हिंसा होगा। तो हम कह रहे हैं फर्स्ट नंबर अगर x है तो फिर सेकंड जो होगा वो क्या होगा? सेकंड नंबर वो हो जाएगा x+1, यानी x से आगे वाला फौरी हिंसा। तो ये आ गया x+1। अब ये तो हो गया हमारे पास डिसाइड के नंबर्स कौन से हैं, उसका क्या लेना है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जिसको उर्दू में हम क्या कहते हैं जी? हासले जरब। हासले जरब मतलब इन दोनों को जरब दे लें। वो x जरब x जमा 1 किसके बराबर है? इज 182, 182 के बराबर है। ये थी हमारी कंडीशन। अब आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। x की 2 जमा x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये x जरब x, x की 2, x जरब 1 x, और ये इस साइड पे आके माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। चाहे आप क्वाड्रेटिक लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं। इसकी तजजी हमने करनी होती है। तजजी हम कैसे करते हैं जी? फैक्टराइजेशन, कोई से दो इनसे जिनको जरब देने से -182 बने, उन्हीं को जमा करने से आंसर आए जमा का 1। अगर आप जमा का 14 माइनस का 13 इनको आपस में जरब देते हैं तो 13 4 बार 52, 5 कैरी आ गया, 13 1 बार 13 और 5 18, ये जमा नफी नफी यानी -182 बना। दैट मीन्स x की 2 जमा का 14x माइनस 13x माइनस 182 आ गया 0। इन दोनों में से कॉमन आ गया x और अंदर रह गया x जमा 14 माइनस 13 कॉमन आया तो अंदर रह जाएगा x जमा 14 इक्वल टू 0, क्योंकि 13 को 14 से जरब देते हैं तो 182 बनता है। इसको और इसको मिला के लिख लेते हैं x माइनस 13 इंटू x प्लस 14, इन दोनों में से 1 लिखना होता है इक्वल टू 0। आगे आप जानते हैं x नफी 13 इक्वल टू 0, या हम कहते हैं x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आ गया 13, या फिर आ जाएगा x इज इक्वल टू -14। अब आपके पास दो आंसर आ गए हैं, या तो x जो है वो आपका 13 है या x जो है -14 है। अब -14 तो हो ही नहीं सकता, उसकी वजह क्या? उसकी वजह है ये वाली चीज के हिंसे हमारे पास क्या है? पॉजिटिव। दैट मीन्स इसको हम लिखेंगे निग्लेक्ट, इसको नजरअंदाज करेंगे। तो x हमारे पास क्या था? 13,
इसलिए अगर x इज इक्वल टू 13 है तो फिर x प्लस 1 क्या होगा, 13 जमा 1 यानी कि 14। तो हम लिख सकते हैं जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या आया 13, और जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 14। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे कंप्लीट हो गया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं तो यहां पे भी हमारे पास मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पे है कि सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, 3 अब मुसलसल, पहले हमने 2 लिए अब हमें 3 लेने हैं। तो इसमें भी सेम वही तरीका, हम सेम वही चीज है। फर्स्ट अगर नंबर हम बात करते हैं, फर्स्ट नंबर वो हमारे पास है x, देन सेकंड जो होगा वो क्या होगा x प्लस 1, और जो थर्ड होगा वो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 2। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर 2 था यहां पे तो वो उसमें अगर हम 3 बनाते हैं वो कैसे आता है 2 प्लस 1, और अगर 4 लेना है तो वो आ जाएगा 2 प्लस 2। यानी पहले में पहले एक जमा किया तो अगला हिस्सा, पहले में ही 2 इनसे जमा किए तो उससे आगे वाला हिस्सा, तो ये होगा इस तरह से। अब देखिए जी, ये आ गए 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, फिर क्या कहता है सम ऑफ स्क्वेयर्स, इनके स्क्वेयर्स का सम, सम क्या होता है मजमुआ, इन तीनों को जमा कर लेंगे मुरब्बे को, तीनों का मुरब्बा लेंगे जी, एक्स का स्क्वेयर जमा एक्स जमा 1 इसका स्क्वेयर हो गया, जमा एक्स जमा 2 इसका स्क्वेयर इक्वल टू किसके है 77। ये देखिए तीनों नंबर हो गए, उनके स्क्वेयर भी हो गए, वो आपस में जमा हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा x की 2 जमा x की 2 जमा, इसको खोलेंगे 2 जरब पहली जरब दूसरी रकम करें 2x आ जाएगा, जमा 1 का स्क्वेयर 1 ही रहेगा, ये भी x की 2 जमा 2 जरब 2 क्या आ जाएगा 4, क्योंकि वो फार्मूले का 2, और जरब x करें तो 4x जमा 2 का जो स्क्वेयर है वो क्या आ गया 4 इक्वल टू आ गया 77। ये x की 2 इकट्ठे कर लेते हैं 1 2 और 3, ये बन गया 3x की 2 जमा 2x और ये 4x कितना हो गया जी 6x जमा का, और 1 जमा 4 कितना हो गया 5 जमा का माइनस 77 इक्वल टू आ गया 0। तो ये बन जाएगा 3x की 2 जमा 6x नफी का रह जाएगा 72 इक्वल टू 0, क्योंकि 77 में से 5 निकालें बड़ी अलामत माइनस वाली है तो वो आ जाएगी। इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं बहुत इजीली, x की 2 जमा 2x बचेगा माइनस 24 इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 0। ये तीनों साइड पे जाके डिवाइड करें तो 0 के बेटर में जाके ये वैसे ही खत्म हो जाता है, इक्वेशन बन गई x की 2 जमा 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने लेके चलना है, ये इक्वेशन है x की 2 जमा 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर लें, जमा या तफरीक करने से जमा का 2 बने, जरब करने से माइनस 24 बने, तो सिंपल सी है x की 2 जमा का 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये 6 4 बार 24 जमा नफी नफी, 6 में से 4 निकालें तो 2 बन गया, इनमें से कॉमन लें पहली दो रकमों में से, ये आ गया x कॉमन अंदर रह जाएगा x जमा 6 माइनस 4 कॉमन लें तो x जमा 6 इक्वल टू आ गया 0। इसको और इसको मिला लें x माइनस 4 और इसको x प्लस 6, इन दोनों में से कोई एक लिखनी होती है। अब x माइनस 4 इक्वल टू 0 या फिर हम कहते हैं x प्लस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 4, या हम कहते हैं x इज इक्वल टू जो है वो किसके है माइनस 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा निगलेक्ट, नजरअंदाज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास नंबर कौन से हैं जी पॉजिटिव, इसलिए इसको हमने नजरअंदाज किया। तो फर्स्ट नंबर जो है वो आपके पास आ गया, फर्स्ट नंबर आपका क्या था जी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 4, देन सेकंड आपका क्या था एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 दैट मींस 4 जमा 1 कितना हो गया 5, तीसरा जो है वो हमारे पास क्या था थर्ड वो आ रहा है x प्लस 2 दैट मीन्स 4 जमा 2 इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास 3 नंबर हैं 4 5 और 6, इसको आप सही साबित कर भी सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, यानी यहां पे देखें 4 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर, इन तीनों के मुरब्बों को जमा करें तो वो 77 आना चाहिए। इस तरह आपका क्वेश्चन साबित हो जाएगा कि ठीक है 16 जमा 25 कितना हो जाएगा जी हमारे पास 41, और 41 में 6 का स्क्वायर होता है 36, 41 और 6
47 में 30 जमा कर ले तो वो 77। इससे आप ये भी देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो ठीक आया या नहीं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखते हैं, सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड स्क्वायर ऑफ नंबर इज 204। पहले तो आप क्या करेंगे, अब अगर हमारे पास हम कहते हैं लेट सपोज ही जो करना होता है, नंबर जो है वो हमारे पास क्या है जी, एक्स नंबर 5 टाइम्स ए नंबर, इसका 5 टाइम्स क्या हो जाएगा एंड स्क्वायर ऑफ नंबर, यानी 5 टाइम्स ऑफ नंबर वो क्या हो जाएगा फिर 5 गुना, यानी कि 5x, क्योंकि x का 5 गुना कितना हो जाएगा, यहां पे आप उर्दू में लिखेंगे अदद का 5 गुना, वो हो गया 5x। फिर स्क्वायर ऑफ नंबर, स्क्वायर ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x का स्क्वायर, इन दोनों का मजमुआ सम, यानी x की 2 जमा 5x इक्वल टू है किसके, 204। और ये बन जाएगा x की 2 जमा 5x माइनस इस साइड पे आ गया, ये बन के 204 इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। नेक्स्ट हम इसका क्या कर लेंगे, नेक्स्ट इसकी हमें फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना होता है, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं कि ऐसे दो हिंसों को मल्टीप्लाई करें, जरब देने से माइनस का 204 बने, जमा करने से 5 बचे। तो अगर हम यहां पे जरब देते हैं 17 को, जरब देते हैं माइनस 12 के साथ, तो 12 7 बार 84 84 यानी 8 कैरी, 12 एक बार 12 और 8 20 204। अब ये जमा का था, ये माइनस का, तो माइनस 204, तो इसलिए ये हमारे पास बन जाएगी फैक्टराइजेशन इसकी, x की 2 जमा 17x माइनस 12x माइनस 204 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लें, x बाहर, x जमा 17 अंदर आ गया, माइनस 12 कॉमन और अंदर आ जाएगा x जमा 17। ये याद रखिएगा, ये वाली और ये वाली चीज अगर सेम आती है दैट मींस कि आपकी फैक्टराइजेशन सही हो रही है। अब x माइनस 12 और x प्लस 17 इक्वल टू 0, यहां पे आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, या हम कहते हैं x प्लस 17 इक्वल टू 0। और फिर हम क्या कर लेते हैं, यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा 12, और फिर x, या हम कहते हैं x इज इक्वल टू हो जाएगा ये जमा का 17, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का 17। ये हमारे पास आ रही है x की वैल्यूज, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। इन दोनों को अगर आप इस वैल्यू के अंदर इस फार्मूले में रखते हैं, इस इक्वेशन में अगर रखते हैं, तो दोनों का आंसर जो है वो 204 बनता है। कैसे, 12 का स्क्वायर 144 और जमा 5 जरा 12 करें तो 60, 144 जमा 60 204 होता है। ये माइनस 17 को देखें फिर भी, माइनस 17 का स्क्वायर 289 289, और 17 को 5 से जरब दें तो वो आता है हमारे पास 85 माइनस का, तो 289 में से 85 माइनस करते हैं तो भी हमारे पास आंसर आ जाता है 200।